नमस्कार। देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान और तरक्की और प्रगति का ग्रह कहा गया है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र भी राक्षसों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं, तो आपके जीवन पर यह परिवर्तन बहुत बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि गुरु जो है संतान सुख शिक्षा ज्ञान विवाह धर्म लक इन सब के कारक ग्रह हैं। शुक्र की राशि में है, शुक्र जो है कला के क्षेत्र में आगे हैं। ज्योतिष में जब भी गुरु ग्रह वृषभ राशि में जाता है तो आनंद की वृद्धि होती है। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, जहाँ बैठते हैं वहां से देखते हैं और गुरु की दृष्टियां बहुत शुभ होती हैं। तो वृषभ राशि का गुरु आपके जीवन में ठहराव लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो भी लोग नेटवर्किंग से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपको एक दूसरे का यानी पति पत्नी का समर्थन मिलेगा, परिवार में अपने सीनियर से समर्थन मिलेगा। धन संबंधी परेशानियां कम होंगी, कुल मिलाकर आर्थिक तरक्की होगी। देश विदेश में भारत देश का नाम जो है ऊपर होगा, आपकी आर्थिक तरक्की होगी। पैसा सुख अध्यात्म सब कुछ आपके जीवन में बढ़ने वाला है। भोग विलास के साथ जीवन के लक्ष्यों को भी आप पाएंगे, यानी मौज मस्ती के साथ जो आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे। दोनों ही ग्रह जो हैं शुभ ग्रह हैं। कुबेर योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, ये आपके लिए बहुत शुभ है। और ये आप समझ लीजिए गुरु जो है 12 महीने एक जो है 12 महीने एक राशि में रहते हैं, तो पूरे 12 वर्ष के बाद ये शुभ परिणाम का समय आया जब कुबेर योग लक्ष्मी नारायण योग का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे। बीच बीच में नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, स्थान परिवर्तन तो नहीं होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, अस्त होंगे, ये सब चीजें का अलग अलग प्रभाव पूरे वर्ष भर आपको मिलेगा। तो पूरे वर्ष भर गुरु एक जैसा परिणाम नहीं देंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 7 मई 2024 से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री, और अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में, जून में रोहिणी में, अगस्त में मृगशिरा नक्षत्र में, फिर नवंबर में रोहिणी में, और आगे ऐसे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। आप गुरु ग्रह को अच्छे से समझ लीजिए। गुरु जो है सलाह का ग्रह है, तो ये गुरु बड़ों का आशीर्वाद है, तो आपको बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। गुरु और शुक्र जो है ना दोनों ही फूड फैशन फाइनेंस मीडिया शिक्षा दवा को दिखाते हैं, तो जितने भी क्या कहते हैं मंच पर बोलने वाले काम है, यानी स्टेज पर जाकर बोलने वाले काम है, जो लोग भाषण देते हैं, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सब चीज़ों के प्रभाव को यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी। यानी ऐसे लोग जो भी इस फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी तरक्की मिलने वाली है। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि द्वितीय भाव को दिखाती है, और द्वितीय भाव वाणी का है, यानी बोलने वाले काम, वाणी के वाले कामों में आपको विजय हासिल होगी, यानी तरक्की होगी। दूसरा भाव कुटुंब का भी है, तो परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस समय में आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। धन का भी है दूसरा भाव, तो धन भी बढ़ेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए और आप, तो समझ लीजिए आपके जीवन की समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। तो धन के साथ साथ परिवार पर भी नजर रहेगी, वाणी से आप धन कमाएंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक रहे हैं, तो दोनों का मिलना कुबेर योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम और शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं, दोनों ही लक्ष्मी भाव कहे जाते हैं, तो लक्ष्मी का आना आपके जीवन में तय है। घर के बड़े जो भी होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। इस समय में आपके क्या कहते हैं खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप इस समय में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। इस समय में आप ये समझ लीजिए आपके जो बड़े आपसे जो कहेंगे, आपने उनकी आज्ञा का पालन किया, तो आपकी तरक्की बहुत अच्छे स्तर की होगी। शुक्र की गतिविधियों पर गुरु लगाम लगाते हैं। शुक्र क्या है, मौज मस्ती है। गुरु क्या है, एक ठहर कर चलने वाला ग्रह है। अब शुक्र क्या है, एक बच्चा है, उसको खूब खर्चा करता है, खूब पैसे उड़ाता है, खूब खेलता है, खूब कूदता है, तो उस पर लगाम कौन लगाता है, पिताजी लगाम लगाते हैं। तो पिताजी क्या है, गुरु है, बच्चा तो नटखट है, तो आपकी जितनी गलत गतिविधियां हैं, जो गलत आते हैं, उस पर गुरु कहीं ना कहीं लगाम लगाएंगे, आपको रोकेंगे। और बड़ों का काम यही होता है कि आपको आपकी गलतियों से बचाना, ताकि आप गलती ना करें। गुरु और दोनों एक तरीके के क्या कहते हैं ना ऐसे ग्रह हैं कि शुक्र की गलतियों को गुरु संभाल लेते हैं। भाई जो घर का छोटा बच्चा होता है, नटखट बच्चा होता है, उसको कौन संभालता है, बड़ा व्यक्ति संभालता है। तो शुक्र छोटा बच्चा हो गए और गुरु बड़े हो गए, तो आपकी गलतियों को यहाँ पर गुरु संभाल लेंगे। अब देखिए आपके साथ अच्छा क्या होने वाला है। इस समय आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे, नई शुरुआत कर सकते हैं, नया वक्त है, नया सब कुछ है।
जब तक मेष राशि में गुरु थे तब तक शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित थे तो परेशानी दे रहे थे, तो ये परेशानी खत्म हो गई। शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से कुछ ना कुछ परेशानी कुछ राशि वालों को आ रही थी, ये समस्या खत्म हो गई, गुरु शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो गए। गुरु की पांचवी दृष्टि कन्या राशि में बैठे केतु को देखेंगे तो केतु की जो उल्टी सीधी गतिविधियां थी, केतु के जो अशुभ परिणाम थे वो भी अब शांत हो जाएंगे। दूसरा फायदा, केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ना यानी केतु का शांत हो जाना। अब केतु का जो मालिक है वो है गुरु, अब मालिक के हाथ में जब केतु की लगाम आ गई तो फिर केतु कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी वो शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय शुरुआत होने वाली है। गुरु और शुक्र ज्ञान के ग्रह हैं, गुरु विष्णु जी हैं, शुक्र शिव के परम भक्त हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणामों की उम्मीद काफी करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत अवस्था में है तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, धन दौलत मिलेगी, 12 वर्षों के बाद अच्छे योग बन रहे हैं। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जब ऐसे परिवर्तन होते हैं तो शुभ परिणामों की वर्षा भी होती है। उपाय क्या करने हैं पहले बता देता हूँ। उपाय आपको सिर्फ ये करना है, कुबेर मंत्र का जाप करना है और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को भी करना है। जब आप इन उपायों को कर लेंगे आप बेहतर परिणाम मिलेंगे। कुबेर मंत्र का जाप करिए और वीडियो के अंत में जो बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार उपाय वो करिए। कुबेर मंत्र का जाप हर व्यक्ति को करना है और आपकी राशि के अनुसार जो उपाय बताऊंगा उसको भी करना है और कुछ विशेष टिप्स भी दूंगा उसको भी करना है। चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपनी राशि के बारे में पूरा सुनिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, पूरी जानकारी लीजिए। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। ध्यान से गोचर कुंडली देखिए। गुरु का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव को रोग ऋण रिपु का भाव माना जाता है, यानी कष्टों का भाव। तो गुरु यहाँ पर बहुत बढ़िया परिणाम तो नहीं देंगे लेकिन मिले जुले परिणाम जरूर देंगे। यह गोचर समस्याएं बढ़ाएगा। शुभ ग्रह जब छठे घर में बैठ जाता है तो थोड़ी बहुत परेशानी में पड़ जाता है। कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा क्योंकि गुरु है, लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहने की आवश्यकता होगी धनु राशि वालों को। आपके पिता की तरक्की होगी, एक अच्छी बात है। नौकरी करते हैं तो वर्क लोड बढ़ेगा। काम से डरना नहीं, काम को करते रहना है तभी गुरु फायदा देंगे। यहाँ पर गुरु आपके ऊपर प्रेशर बहुत डालेंगे, काम का वर्कलोड बढ़ा देंगे, काम की अधिकता करा देंगे, जो काम नहीं है आपका वो भी करना पड़ेगा, तो यही आपके लिए परेशानी होगी। और अगर आप इस काम से भागे, आपने इस काम को नहीं किया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। आपके सीनियर आपको कोई जिम्मेदारी दें और आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाएं, आपको किसी टीम का लीडर बनाया गया, किसी काम को करने के लिए बोला गया और आपने वो काम सही तरीके से नहीं किया तो सीनियर की नाराजगी आपकी प्रमोशन में बाधा कर देगी। सीनियर की नाराजगी से आपके ऑफिस का माहौल बिगड़ेगा, आपके अधिकारियों से आपकी खटपट हो जाएगी। यानी एक आपके सीनियर ने आपको कोई काम दिया और आपने वो काम मन से या सही तरीके से नहीं किया, सीनियर से बहसबाजी कर ली, ये काम मेरा नहीं, ये काम उसका है, ये ऐसा है और वैसा है, तर्क वितर्क किया, कुतर्क किया, तो वही सीनियर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए चुपचाप जो काम की जिम्मेदारी मिले उस काम को करते रहिए, तभी प्रमोशन भी होगी और तभी आपको पैसा भी बढ़ेगा और पदवी भी बढ़ेगी, वरना प्रमोशन की जगह अधिकारी आपका डिमोशन कर देगा। तो खटपट नहीं करनी है। पिताजी ने अगर बच्चे से कहा बेटा ये काम करना है तो बच्चा अगर वो काम कर देगा तो पिताजी आशीर्वाद दे देंगे, अगर बच्चे ने वो काम नहीं किया तो पिताजी कहेंगे जाओ तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगी। बस यही फर्क पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा। जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें ग्राहकों से बहुत अच्छी तरीके से बात करनी है। जितना ग्राहकों से लड़ेंगे, जितना बहस करेंगे, जितना तूतू मैं करेंगे उतनी हानि होगी। गुरु का यह गोचर आपको जो है ना आपकी जो आदतें हैं लड़ने झगड़ने की उससे आपको बचने के लिए कह रहा है, तभी आप सही तरीके से रिजल्ट पा पाएंगे। कोई भी काम आप काम करें उसमें जी ना चुराएं, किसी भी काम में आलस ना लेकर आए, काम में मन लगाएं, काम को तुरंत करें, तुरंत खत्म करें, काम को लटकाएं नहीं इस गोचर काल में। आलस करेंगे, जी चुराएंगे, काम के बहाने बनाएंगे, अपने काम की जिम्मेदारियां दूसरों पर थोप देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ महाअशुभ साबित होगा और आप काम करते चले जाएंगे तो गुरु आपकी मदद कर देंगे। जो काम मिले उसे मन से करें, काम से जीना चुराएं, बच्चे पढ़ाई लिखाई मन से करें, जीना चुराएं।
जितने दर्द मिलेंगे इस गोचर काल में, जितने दर्द मिलेंगे बाद में उतना ही आराम मिलेगा। और अगर आपने दर्दों को सह नहीं सहा तो फिर पहले भी दर्द और बाद में भी दर्द। आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है, आपके खिलाफ शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, आप अपनी गुप्त बातें गुप्त राज किसी को न बताएं, अपने राज को छुपा कर रखें, आपको बेकार की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी अगर आपने अपने राज खोले। सड़क पर चलते हुए आदमी से उलझे नहीं समय में, आप राह चलते आदमी से भी उलझ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर सकते हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको क्या कहते हैं लोगों से उलझना कोर्ट कचहरी तक ले जा सकता है, अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। गुरु दूसरे और दसवें घर को भी देखेंगे, तो काम सही तरीके से अगर आप करते रहे तो पैसा और तरक्की दोनों मिलेगी और समस्याएं कम होंगी। और पैसा खर्च भी बढ़ने वाला है आपका, तो ध्यान से सोच समझ कर पैसा खर्च करिएगा। कुछ क्या कहते हैं गुरु यहाँ पर 12वें भाव को देखेंगे तो मिला जुला परिणाम देंगे, विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश जाने के बहाने आपका खर्च भी हो सकता है। बेकार की यात्राएं बिल्कुल मत करिएगा, सोच समझ कर यात्रा करिएगा, प्लानिंग से करिएगा, आवारा मित्रों के साथ मत घूमिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। आप अपने विचार जितने अच्छे रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, आप जितना सही दृष्टिकोण लेकर चलेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। बड़ों के नाम पर दान देना आपके लिए बहुत अच्छा है। बार बार आपके मन में यहाँ पर काम बदलने के बारे में भी विचार आएगा, कुछ लोगों को बॉस काम दे देंगे, आप कहेंगे नौकरी छोड़ दूसरी नौकरी करते हैं, ये नहीं करेंगे आपको दूसरा काम कर देंगे, सब चीज़ें आपको परेशानी में डालेंगी। आप धनु राशि के जातक या जातिका हैं तो आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें, आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई का जो होमवर्क मिल रहा है उसको पूरा करें, ऑफिस में काम करते हैं तो अपने बॉस का जो काम आपको दे रही कंपनी काम दे रही उसको पूरा करें, व्यापारी हैं तो जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें, बेटा है तो पिता की बात माने, माता की बात माने, पति पत्नी एक दूसरे की बात माने। अगर एक दूसरे से आप लोग तालमेल बिठा कर नहीं चले, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हो, चाहे बॉस और कर्मचारी का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी और पड़ोसी का रिश्ता हो, चाहे आम आदमी से आम आदमी का रिश्ता हो, अगर आप लोगों का तालमेल नहीं बैठा एक दूसरे से तो ये गोचर धनु राशि वालों के लिए दिक्कतें पैदा करने वाला होगा। और ये ऐसा समय है जहाँ पर आपको ताल से ताल मिलाकर चलना है, अपने काम को करते रहना है, आलस मक्कारी बेईमानी काम चोरी कल कर लेंगे छोड़ दो ये सब चीज़ें आपको बहुत परेशानी में डालेंगी। और काम से जितना भागेंगे आप सोचेंगे कि मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा काम है दूसरी कंपनी से, वहाँ पर और काम मिलेगा, कितना भागेंगे, एक को छोड़ेंगे दो को छोड़ेंगे पूरे साल भर रहेगा, कितनों को छोड़ेंगे। तो अच्छा यही है कि अभी नौकरी उकरी बदलने का विचार छोड़िए, धंधा पानी बदलने का विचार छोड़िए, जिस काम में है उसी में मन लगाकर काम करिए, मेहनत से काम करिए धनु राशि वालों, और बड़ों के नाम पर दान दीजिए और वीडियो की शुरुआत में जो उपाय बताए हैं उनको भी करिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो उनको सही करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम, जय श्री राम।